तो दादी आप जो केयर करते हैं लोगों की भावनाओं को समझ करके कैच करके उनको सुनो, केयर करते हैं आप। कुछ करते नहीं है हाँ पर समय सफल आ जाना। जी कोई समझो आपके आगे कोई बात है, कोई आपके बात को समझता नहीं है, जी प्रैक्टिकल आज की एक बात है जी ये रियली है, वो समझते हैं, मेरे को समझता नहीं है हाँ काफी ऐसे हैं। बहुत। यानी मैं क्या करूं, कितना साल हो गए अभी ऐसी जो अपनी वृत्ति अंदर में बातों की स्मृति, जी बातें याद है कब की बात, अभी भी वो नाम लेते ही वो बात का फोर्स लाइफ ने बदल जाए। दुनिया ना बदलेंगे हम, ये नहीं कहना, जी भले दुनिया कैसी भी है आपके, परंतु तो मेरे को क्या, ये हाथ बताता केयरलेस नहीं बनना, केयरफुल बनना है। केयरफुल बनना और जब आप शेयर है। करते हो तो बाबा की बातों को शेयर करते हैं या अपना विचार सागर मंथन जो होता है जो मक्खन निकाला है आपने। सुनो, हाँ बाबा के मुरली में ही आता, जी बाबा सुना रहा है, कोई बच्चे धारण करते हैं, जी कोई को भूल जाता, सुनने से नहीं सुने, तो बाबा के जो महावाक्य है जी मनन चिंतन और फिर उसमें गहरे मंथन करना भी हाँ बहुत उसकी वैल्यू हो जाती है। बाबा के महावाक्य पर उसमें कितनी वैल्यू है, वैल्यू है। प्यार है, सच्चाई है, वो ऑटोमेटिक बाबा ने जो हमारे से प्रैक्टिकल लाइफ में साथ दिया है, जी और तभी आप इसीलिए इंस्पायर कर लेती हो उन्हीं बातों को लेकर के। हाँ मैं कर रही हूँ, ये नहीं करा बाबा रहा है, करा रहा है। करा रहा है, मेरे पास हरी लगा है, तो आ रही हो ना, मैंने कहा अच्छा चलो, जिसमें सेवा समाई पर ही है, क्यों चारों सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में एक आत्मा थी जिसने कभी घर में पानी का गिलास भर के नहीं पिया था, नौकर से वो जब बाबा के पास आई, बाबा बाबा ने उसको भंडारी बनाया, भंडारे में खाना बनाओ, हम पहले जानती थी कितना वो शिक्षानी, वो क्या जाने भंडारे को, बाबा ने कहा इतना, बाबा ने उसको जीवन को ऐसे पलट दिया, जो क्योंकि अभिमान सूक्ष्म है, बाबा उनको बदलता है जी आत्मा अभिमान, जी सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियस में चेहरा दूसरा है। मैं आपसे भी ऐसे बात करेंगी वो शोभता नहीं है, सही बात है। और मुझे बाकी रहता है, बाकी समय थोड़ा है, तो तुम अब घर जाना है, घर सामने खड़ा है परम धाम है निरा, तो कोई समय दिन भर में घर में चले जाओ जी निर्वाण धाम में। निर्वाण धाम में वाणी से परे हो जाओ।